कप्तान ने असेंबलियां तोड़ने की तारीख दे दी है। वज़ीर आज़म ने आज फिर इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में बैठक सजेगी। दोनों असेंबलियों को बचाने समेत दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। तहरीक आदम एतबाद जमा कराने समेत दीगर आइनी और कानूनी उमूर पर गौर किया जाएगा। इमरान खान सिवाय इंतशार और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दे सकता। लीगी रहनुमा आला मशहूद कहते हैं कि इमरान खान के असेंबली तोड़ने का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। हम अपना आईनी और कानूनी इकदाम जरूर करेंगे। अगर सूबाई असेंबलियाँ तोड़ भी दें तो वफाक इसी तरह काम करता रहेगा। सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात भी करवाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तबीयत नासाज। इमरान खान ने कल शदीद बुखार की हालत में सियासी सरगर्मियां जारी रखी, खिताब भी किया। रात गए शौकत खाना हॉस्पिटल के मेडिकल टीम ने तिबी मुआयना किया। मेडिकल टीम आज भी तिबी मुआयना करेगी। कुरंगी में कानून के तालिम को डकैती मुजामत पर कत्ल कर दिया गया। कराची समेत अली मादर शेख का कहना है कि कच्चे के डॉक्टर ने हमें तबाह किया हुआ है। और लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 91वां योम शहादत जबरन मालकम में शहीद के मजार पर तकरीब सिविल अस्करी हुकाम मौला वाहकिन की शिरकत। पाक फौज के चाक और जुबा दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।